अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घर में शाद और आबाद हों। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं कोफ्ते, मेरे अपने स्टाइल से। तो आइए चलिए देखते हैं। कीमा निकलवाया है, रूखा कीमा है, ये तकरीबन 3 पाव से ऊपर ही है, 1 किलो 3 पाव के करीब है ये कीमा। इसके अंदर जो जो मसाले ड्राई इन्ग्रीडियंट चाहेंगे वो ये हैं, नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला, खशखाश, 6-7 बादाम, थोड़े से चने, इसके अलावा प्याज, पुदीना, अदरक का 1 पीस, लहसुन अदरक थोड़ा सा और हरी मिर्चें। इसके अंदर अदरक अलग से इस वजह से है थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। बाकी वो मसाला जिसे पीस कर हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें ये प्याज है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। बाकी ये प्याज जो है ये मीडियम एक प्याज है, दरमियाने साइज़ की, वो हम भगार लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इन मसालों को जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये मसाले और ये वाले मसाले, इन दोनों मसालों को इस कीमे के साथ पीस कर और क्या कहते हैं पेस्ट सा बन जाएगा कीमे का। डेफिनेटली ये सब मिक्स हो जाएंगे आपस में। इसके अलावा ये प्याज और लहसुन अदरक पिसा हुआ है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच गर्म मसाला मिलाऊँगी और फिर अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। पहले आप इन दोनों मसालों को पीस कर इस कीमे में मिला लेंगे। चलें तो फिर ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, अब ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर मिलाकर कीमे को अच्छी तरह पीस लिया है और कोफ्तों के अब हम इसके अंदर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। सबसे पहले पैन के अंदर जो है वो ऑयल गर्म कर लिया है मैंने, अब इसके अंदर जाएगी ये प्याज। प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक प्याज ब्राउन हो रही है हमारी ये ग्रेवी का जो मसाला मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें साबुत पिसा हुआ धनिया जाएगा, डेढ़ चम्मच ही लाल मिर्च पिसी हुई और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून से भी कम हल्दी जाएगी इसके अंदर। अब हल्दी की बात, ये 1 टीस्पून नमक भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब ये मसाला प्याज चूँकि ब्राउन होकर मैंने निकाल लिया ना ऑयल में से, अब ये मसाला इसके अंदर जाएगा। सारी चीज़ें मैंने पास की, इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/2 कप और इसको पकने दूँगी और अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो अच्छा जी दोस्तों, ये कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, थोड़ा सा साइज़ में आपको बड़े लग रहे होंगे क्योंकि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते पसंद करते हैं। तो ये कोफ्ते मैं सारे नहीं बनाऊंगी, इसमें से कुछ कोफ्ते मैं बचा लूँगी क्योंकि क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है, मेरी फैमिली छोटी है। तो अब ये कोफ्ते इस मसाले के अंदर डालना शुरू करते हैं। जितनी देर में ये कोफ्ते थोड़ा सा सेट होते हैं मसाले के अंदर, मैं ये प्याज और दही को पीस लूँगी, ब्लेंडर कर लूँगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो आप रहिए मेरे साथ। हाँ जी दोस्तों, ये दही और प्याज मैंने पीस लिया है और उसका पेस्ट बन गया। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि दही और प्याज के अंदर हमने जायफल और जावित्री और छोटी इलायची, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने इसके साथ ही पीस लिया है। ये 3-4 सब्ज़ी इलायचियाँ हैं, छोटा सा एक जायफल और जावित्री का पीस है, ये हमने इस दही के साथ पीस लिया है और ये तीनों को पीसने के बाद ही पेस्ट सा बन गया है, प्याज, दही और जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। इससे सालन के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और बहुत मज़े का सा एक फ्लेवर आ जाएगा, आप जब बनाएँ टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। कोफ्तों को थोड़ा टाइम हो गया है इसमें डले हुए, तो हम इसको इस तरह हिलाएँगे। चूँकि मेरे हाथ में फ़ोन है, कैमरा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहरहाल दोनों साइडों से पकड़कर इस पैन को
और हम इस तरह से हिलाएंगे तो ये कोफ्ते मजीद सेट हो जाएंगे और हम इसी पोजीशन में इसको भूनेंगे। कोफ्तों को कभी भी चम्मच से नहीं भूना जाता, अगर चम्मच से हम इसे भूनते हैं तो ये टूट जाते हैं या इनका शेप ख़राब हो जाता है, तो हमेशा कपड़े से पैन को पकड़ कर हिलाना चाहिए ताकि कोफ्ते जो हैं वो अच्छे शेप में रहें और ख़ूबसूरत रहें। बस अब कोफ्ते भुनाई पर आ गए हैं, जैसे सेट हो रहे हैं, इनको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम ये दही और प्याज का जो मिक्सचर है फ्राई प्याज का वो हम इसके अंदर डालेंगे। मैं 5 मिनट के लिए बस इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। भुन गए अच्छी तरीके से, अब इसके अंदर ये दही और प्याज जो हमने पीस के रखा था, छोटी इलायची और जायफल जावित्री के साथ, वो हम डालकर इसको दम पर लगाएंगे। और जितना शोरबा आपको चाहिए, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करके इसको दम पर लगा दें। और हम लोग बहुत ज़्यादा शोरबा इस्तेमाल नहीं करते इसलिए मैं इसे इसी पॉइंट पर कोफ्ते रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें कि कैसे लग रहे हैं, देखने में माशाल्लाह से जायके में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरा एक स्टाइल, मेरी वालदा से मैंने ये रेसिपी सीखी है और ये सबको मेरी फैमिली में बहुत पसंद आते हैं। और एक आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरी छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।